सबूत हैं, गवाह हैं। ये देखिए, माय लॉर्ड, अगर मैं प्रेजुडिस नहीं हूं तो रांछोड़ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। माय लॉर्ड, जिसकी पैरवी एक ऐसी औरत कर रही हो जिसने अपने पति के साथ इतना बड़ा झूठ बोला, वो एक अदालत में सच्चाई कैसे पेश कर सकती है? माय लॉर्ड, इतना बड़ा धोखा अब। क्यों छुपाया इतना बड़ा सच? आभा जी, आभा जी, आभा जी, ऑर्डर ऑर्डर। नहीं मिस्टर त्यागी, आप इस तरह की जाति बातें नहीं बोल सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल, आपको रणछोड़ की सफाई में कुछ कहना है? लॉर्ड, हमें सबूत और गवाह इकट्ठे करने के लिए और थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, आप केस तैयार कर लीजिए। इस केस की सुनवाई 2 दिनों बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
इतनी गर्मी में पसीने छूट ही जाते हैं आबा जी। करण है, उसे सब पता चल गया। तो अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। आई नो, आज पहला दिन है ना आपका, अभी दो दिन हैं आपके पास ये डिसाइड करने के लिए कि ये केस लड़ना है कि नहीं। दिन में सपने मत देखिए मिस्टर त्यागी, हम ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हमारे पास सच की शक्ति है, और जीतने के लिए इतना ही काफी है। आबा जी, वैसे तो मैं कंसल्टेशन के बहुत पैसे चार्ज करता हूं, लेकिन फिर भी एक एडवाइस मैं बिल्कुल फ्री में देना चाहता हूं। पानी लीजिए। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। आभा जी, यहाँ अदालत में सच और झूठ का फैसला करते हैं गवाह, सबूत और दलील। यहाँ सच वही होता है जिसे साबित कर दिया जाए। यहाँ सिर्फ गवाह की जुबान चलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सबूत, समझिए आप। शुक्रिया मिस्टर त्यागी, पर कोर्ट में कौन सी जुबान चलती है ये हम अच्छे से जानते हैं। दो दिन में आपसे फिर से मिलेंगे, यही सबूतों, गवाहों और दलीलों के साथ। इसकी शायद आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक तरफ करण है, उसे यकीन दिलाना है कि तुमने उसी को ही अपना पति मान लिया है, और दूसरी तरफ छोड़े बेटा। पता नहीं आभा और करण पर क्या बीत रही होगी। सच इस तरह सामने आएगा कभी सोचा नहीं था मैंने। करण से सच नहीं छुपाना चाहिए था, और आभा ना तो वो करण को सफाई दे पाई होगी, और कोर्ट में त्यागी पता नहीं आभा के साथ कैसे पेश आ रहा होगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, त्यागी किस हद तक गिर सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सामने वाले पक्ष को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आप आराम कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, बैठ जाइए। चलिए, कैसे रहा कोर्ट में मिसेस आभा प्रसाद? आपको क्या लगता है आप अपने पति को बचा पाएंगे? वैसे आपके पति है कौन, मिस्टर करण प्रसाद या रणछोड़ प्रसाद? इस तरह से जानकर पता नहीं करण का क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं कहाँ है करण। हम कुछ कहने का मौका तो दीजिए एक बार।
वेल डन त्यागी जी, क्या सही टाइम पे बासा फेंका अपने आभा के ऊपर। बस इसी तरह हर सुनवाई में उस औरत को इमोशनली टॉर्चर करते जाए, वो ये केस कभी नहीं जीत पाएगी। अगर आपको उस रणछोड़ के खिलाफ कोई सबूत या कोई गवाह चाहिए तो मुझसे कहिए, लेकिन वो आदमी किसी भी कीमत पर फांसी के फंदे से बचना नहीं चाहिए। वो तो सब ठीक है शैली जी, लेकिन आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, आभा के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। बस फिक्र मत कीजिए, आभा के हाथ में सिवाय हार के और कुछ नहीं लगेगा। मैं जो वादा करती हूँ उसे हमेशा निभाती हूँ। आभा के हाथ सिवाय हार के कुछ नहीं लगेगा, न इस केस में और न ही रिश्तों में। हम कभी हार नहीं मानेंगे कर, बस एक बार आप हमारे सामने आ जाइए, हम आपको सब बता देंगे किन परिस्थितियों में ये सब हुआ। आभा मां, मां। बेटा हमने सब टीवी पर देख लिया, हम जानते थे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में परेशानी में होगी, इसलिए हम तुम्हें मिलने चले आए। करण को सब पता, मां हम क्या करें, करण के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वही तो हमारी जिंदगी है, वही हमारी ताकत है, हम कैसे ये केस लड़ेंगे। मां समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मां बेटा तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हम जानते हैं तुम कितने बड़े धर्म संकट में फंसी हो। एक तरफ करण है, उसे यकीन दिलाना है कि तुमने उसी को ही अपना पति मान लिया है, और दूसरी तरफ छोड़े बेटा, उसे तुम्हें तो हर हाल में बचाना होगा। कैसे करेंगे हम ये बेटा? दोनों ही काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो हर तूफान से लड़ेगी, है ना बेटा? परिस्थितियां जब कठिन हो जाती है ना, तो ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। आप नमस्ते बेटा। आवा घर चलो। आंटी हम आपको घर छोड़ दें? नहीं नहीं हम चले जाएंगे, तुम लोग जाओ जाओ, हमारी चिंता मत करो, हम जाएंगे। जाओ चलते हैं। चलो बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले, तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, तुमसे ही देखो दुख भी मिले। तुम मेरे थे सदा सुखी रहो, थे और के दिल चाहे भी तो सोच ना सके। बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकता हूँ। इस चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हो जिन्हें सच्चा प्यार मिला है, जीवन भर के लिए मिला है, मैं तो कहूं सात जन्मों के लिए मिला है। सदा खुश रहो। झूठ है, सब झूठ है, मेरी जिंदगी ने मुझे धोखा दिया, मेरी आभा ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, तुम्हारी वजह से आज ये दिन रखा है, और सच में लाइफ परफेक्ट लगती है।
कभी नहीं छोड़ी। यहाँ एक बहादुर औरत अपने भूतपूर्व पति के साथ मिलकर अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। जी आपने बिल्कुल सही सुना, पर रणछोड़ प्रसाद बेगुनाह है, समझे? क्या आपकी बहू की शादी आपके दोनों बेटों से हुई है? ये हमारा घर का निजी मामला है, आप इसमें दखल ना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। पर रणछोड़ तो कातिल। भैया करण गए का फोन भी नहीं लग रहा, वो फोन उठा भी नहीं रहे। इस हालत में होंगे? फिक्र मत करो, हैव पेशेंस, घर पे हो। पापा करण आए? नहीं तो वो तो तुम्हारे साथ था, कहाँ है वो? पापा वो कोर्ट से पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो लगा घर आया होगा। कहाँ चला गया? हे ईश्वर, हमारे करण की रक्षा करना, हम उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहते। हमने रणछोड़ जी से शादी करने के बाद भी सिर्फ करण को ही अपना पति माना है, उन्हीं के नाम का मंगलसूत्र पहना है। हमें एक मौका दे दीजिए उन्हें समझाने के, आप तो सब सच जानते हैं, बस एक मौका दीजिए भगवान, एक मौका। हम करण को ढूंढने जा रहे हैं, हम लेते हैं एक मिनट। हेलो करण, क्या रणछोड़ को गुनहगार मानते हुए अदालत दो दिन के बाद फैसला सुनाएगी? जी आपने बिल्कुल सही सुना, पर रणछोड़ प्रसाद बेगुनाह है, समझे? क्या आपकी बहू की शादी आपके दोनों बेटों से हुई है? ये हमारा घर का निजी मामला है, आप इसमें दखल ना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। पर रणछोड़ तो कातिल। मेरा बेटा कातिल नहीं है, सुना आपने? मेरा बेटा कातिल नहीं है। जरूर किसी मीडिया वाले या रिश्तेदार का होगा, किसी की प्रॉब्लम चल रही हो, वो लोग अपना मसाला ढूंढ। संवाददाता दीपक कुमार के पास, जो हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या ये दिन दिखाने के लिए मुझे भगवान ने जिंदा रखा था? इससे तो अच्छा होता कि मैं उसी व्हीलचेयर पे मर जाता, जिसके साथ जीने की इच्छा थी, वो तो अब मेरी रही नहीं, वो किसी और की हो चुकी है। अब ऐसी जिंदगी का क्या करना? मैं दोष दूं तो भी किसे दूं? गलती शायद मेरी है, दो साल तक मैं दूर था, मानता हूं आभा को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक था और वो बढ़ गई, अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अब और रणछोड़ की जिंदगी से दूर, सारे रिश्ते बदल गए, बहुत बड़ी दरार आ गई है मेरे और आभा के बीच। साला सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, आभा और करण के बीच में साला इतनी टेंशन मेरी वजह से हो गई, बहुत बड़ी दरार आ गई है उन लोग के बीच। अगर मैं आभा और करण की जिंदगी से जुड़ा रहा
बहुत लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा होगा साला मुझे फांसी हो जाए। अब हर करण की जीत इसी में कि तू ये केस हार जाए। अब मैं जानता हूं साला तेरा पहला केस है, लेकिन सॉरी मैं तेरे को जीतने नहीं दे सकता, जीतने नहीं दे सकता तेरे को। करण आप कहां हैं? इस समय हमें आपकी बहुत जरूरत है।